तो गाइस WWE स्मैकडाउन का इस हफ्ते का एपिसोड काफी धमाकेदार देखने को मिला। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं समग्राम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शो की शुरुआत एक सिक्स मैन टैग टीम मैच से हुई। ये मैच शेमस बुच और रिज हॉलैंड वर्सेस गुंथर लुडविक काइजर और जियोवानी विंची के बीच देखने को मिला। ये मैच बहुत ही शानदार देखने को मिला। इस मैच में दोनों ही टीमों की तरफ से जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। इस मैच में दोनों टीमें हारने को तैयार नहीं थी, लेकिन इस मैच में जीत गुंथर लुडविक काइजर और जियोवानी विंची MPRM की हुई। तो गाइस, इसके बाद हमें शो में द ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिला, जहां पहले सैमी जेन और द उसो ने रिंग में एंट्री करके प्रोमो कट किया। उन्होंने रोमन रेंस की जीत पर खुशी जताई और फिर सोलो सिकवा को इंट्रोड्यूस किया। सोलो सिकवा ने आकर प्रोमो कट किया और बताया कि ये हमारे परिवार के सम्मान की बात थी, इसी कारण उन्होंने रोमन रेंस की क्लैश एट द कैसल में मदद की। फिर ड्रू मैकइंटायर ने एंट्री की और ये देखकर सैमी जेन और द उसो रिंग के बाहर चले गए। फिर ड्रू मैकइंटायर ने स्टील चेयर से सोलो सिकवा पर हमला किया। सोलो पर दूसरी बार चेयर से अटैक करने पर सैमी जेन बीच में आकर सोलो सिकवा को बचाया और खुद ही स्टील चेयर खा ली। बाद में ड्रू मैकइंटायर ने सोलो सिकवा को मैच के लिए चैलेंज कर दिया। तो गाइस, इसके बाद हमें नटालिया वर्सेस सोनिया डेविल वर्सेस रोंडा राउजी वर्सेस जायाली वर्सेस लेसी इवेंस के स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर फेटल फाइव वे एलिमिनेशन मैच देखने को मिला। इस मैच में सबसे पहले रोंडा राउजी ने नटालिया को अपने सबमिशन में फंसाया और इस पर उन्होंने टैप आउट कर दिया। बाद में रोंडा राउजी ने एवेंस को सबमिशन में लॉक करके टैप आउट कराया और फिर सोनिया ने जया ली को टैप आउट करने पर मजबूर किया। लेसी इवेंस और जया ली साथ में एलिमिनेट हो गई और फिर अंत में रोंडा राउजी ने एंगल लॉक लगाया और सोनिया डेविल को टैप आउट कराकर जीत दर्ज की। अब रोंडा राउजी लिव मॉर्गन को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगी। तो गाइस, इसके बाद बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन की। उन्होंने एक नए थीम सॉन्ग के साथ एंट्री की और आकर अल्फा एकेडमी को बुरी तरीके से पीट दिया। उन्होंने जहाँ यहाँ चैट गेबल को आसानी से धराशायी कर दिया। इसी दौरान उन्होंने भारी भरकम शरीर वाले ओटिस को पावर बम लगाया। इस दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन डोमिनेट करते हुए नजर आए। तो गाइस, फिर हमें शो के मेन इवेंट में ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सोलो सिकवा का मैच देखने को मिला। सोलो सिकवा ने ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन दिखाया। इस मैच में कई बार ब्लड लाइन के सदस्यों की इंटरफेरेंस देखने को मिली, इससे ड्रू मैकइंटायर डिस्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। एक मौके पर द उसो ने ड्रू मैकइंटायर पर जोरदार हमला भी किया। वहीं सैमी जेन ने रेफरी का ध्यान भटकाते हुए नजर आए। फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने आकर द उसोज पर हमला किया। मैच जारी रहा और अंत में ड्रू मैकइंटायर ने क्लेमोर किक लगाकर सोलो सिकवा को रिंग के बाहर गिरा दिया। फिर अचानक से पीछे से कैरियन क्रॉस ने आकर ड्रू मैकइंटायर पर हमला कर दिया और उन्हें सबमिशन क्रॉस जैकेट में ड्रू मैकइंटायर को दबोच लिया। ड्रू मैकइंटायर काफी कोशिश करते रहे सबमिशन से निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाए। इस तरह से आज के स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हुआ। तो गाइज, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग समाग्राम। थैंक यू।